तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी शामी कबाब, और आप सोच रहे और आप लोग सोच रहे हो कि आज सुबह से मैं कहाँ गायब हूँ। आज सुबह से कोई मैंने शूट नहीं किया, इतनी ज़्यादा परेशान थी, और जो है ना लाइट नहीं थी एक तो, और ऊपर से मुझे जो है ना कुछ शॉपिंग के लिए भी जाना था, क्योंकि हमारा शायद टूर का प्रोग्राम बन जाए पाकिस्तान टूर का। तो मैंने कहा पहले से तैयारी करके रख लूँ, अभी कुछ इतना कन्फर्म नहीं है। इमरान ने अभी हामी नहीं भरी है, और लोग जो सारे कजन्स वगैरह जा रहे हैं, तो जो है ना सबकी अभी नई नई हाँ हाँ चल रही है, किसी का सही से प्लान बन ही नहीं रहा है। तो फिर जो है ना, तो मैं तो फिलहाल अपनी आज शॉपिंग करके आ गई हूँ। कल मुझे जो है ना एक ब्राइडल शूट पे जाना है, क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला बुध को हम लोग निकलेंगे, शायद बुध की टिकट हो जाएगी हमारी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी, इसीलिए जो है ना आज सुबह से नहीं बता रही थी। तैयारियां तो मैं कर रही थी, इनको दिखाई भी इसलिए नहीं क्योंकि अभी सही से कंफर्म ही नहीं है। फिर अच्छा नहीं लगता ना, बता दो और नहीं जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं भी बना रही हूँ शामी कबाब, कि मैंने कहा कि मैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत वाला काम है, ये बनाकर पहले रख लूँ, खाने के लिए काम ही आ जाएगा। तो जाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, फिर अर्जेंट बनाऊँगी तो मुझे इतना अपनी भी तैयारियाँ करनी होंगी। और एंड टाइम पर अयान साहब ने अपना कारनामा कर लिया है, अपना पैर सुजा लिया है, इसका पूरा पैर सूज गया है, पैर उतर गया है, जाने में एक दिन रह गया है, और उन्होंने अपना कारनामा करा है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, आयत की दाढ़ में दर्द है, आयत की दाढ़ सूज गई। एक तो मैं कभी कहीं निकलती नहीं हूँ, हमारे यहाँ बच्चों के ऐसे मसले हो जाते हैं ना, आयत की दवाई दिलवाई है, पूरा मुंह सूजा है। और अपना पाँव तो दिखाओ जरा, करीब से दिखाओ, पूरा पाँव सूजा हुआ है आयान का। ये साहब नीचे सीढ़ी पे उतर रहे थे तैयारियों के चक्कर में जल्दी जल्दी, और पैर अपना उतार लिया है। अब देखें क्या होता है, वहां सारे पहाड़ी रास्ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। और इस सुबह से लेटा हुआ है ये बेड पर, इससे उठा तक नहीं जा रहा अभी, कंफर्म नहीं है जाने या नहीं हमको। सही करो अपना, दो दिन में चले तो यहाँ पे तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपने साथ में आयान को लेके जाऊँ, लेकिन आयान का कोई मूड नहीं है। तो पहले से नहीं 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 कर रहा था कि नहीं मैं तो थक जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि नहीं चलना है, जब और भी बच्चे जा रहे हैं तो तुम भी चलो। और जो है ना फिर नई नई करके तैयारी स्टार्ट भी करी, तो वो पाँव उतार के लेकर आ गया, सूजा हुआ है पाँव, और उसे चला तक नहीं जा रहा है सुबह से। एंड टाइम पे यही करना था तुमने। किस तरह उतरे थे सीढ़ी से? वो मुझको दिल चाह रहा था चार सीढ़ियों से उतरूं, चार सीढ़ियों से उतरूं, इसका दिल चाह रहा था। वो चार सीढ़ियों से उतरते वो पैर उल्टा हो गया, मुड़ गया, इसलिए सूजन हो गई। एंड टाइम पे करनी थी जाने के टाइम पर। हमको क्या पता था किस तरह हो जाएगा। तो अब देखिए पाँव सही हुआ तो आयान हमारे साथ चला जाएगा, और अगर नहीं सही हुआ तो फिर सूजा हुआ तो फिर देखने क्या करना है अभी। मॉर्निंग, और काफ़ी टाइम हो गया हुए हुए, और आज ये ब्लॉग जो बस चल रहा है ना मेरा, चार दिन होगा, तीन दिन होगा चलते चलते। और अभी मेरी फ़िलहाल जाने की तैयारी है, फाइनली पाकिस्तान टूर पर नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे कज़न्स जा रहे हैं और हमारी फैमिली जा रही है, तो बस फ़िलहाल जो है ना अब जाने की तैयारियाँ हैं। और यहाँ सारे मैंने कपड़े एक साथ इकट्ठे करके रखे हुए हैं, क्योंकि बैग नहीं है, बैग मंगवाया है। तो बस फिर बैग आ जाए तो फिर मैं सारी चीज़ें सेटिंग करके रख दूँगी। अब मुझे मैंने सब चीज़ें सिलेक्ट कर ली है कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। यहाँ पर सारा सामान है, और अभी भी इमरानों में जो है ना शॉपिंग के लिए गए हुए थे, कुछ आयत के कपड़े लेकर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे कपड़े थे और जो है ना बस आयत के मुझे कपड़े लेने थे, तो बस फ़िलहाल ये लेकर आए अभी इमरानों में। यहाँ मैंने आयत के जो है ना क्लिप्स वगैरह सारी चीज़ें एक साथ करके रखी हैं, कुछ कैप्स रखे हैं क्योंकि वहाँ सर्दी भी है थोड़ी बहुत। फिर जो है ना मैंने अपने, और मैं आप लोगों को जो है ना ज़रा पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, मैंने सारे धोए हैं और अभी सारे गीले हैं। कल रात में बहुत ज़्यादा इतनी देर मशीन लगाई है मैंने, कोई पूरी रात जो है ना सुबह 4 बजे तक कपड़े धोए हैं कि ताकि ख़त्म करने, क्योंकि हमारे यहाँ 2 हफ्तों से पानी नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से 2 हफ्तों के कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए। अब ये सोच रही हूँ कोई सारे कपड़े गीले हो रहे हैं, अब इनको सारा फैला के और पंखा खोलूँगी जाऊँगी। तकरीबन हमारा 10 दिन का टूर होगा, तो बस फिलहाल जो है ना बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ पाकिस्तान टूर। काफ़ी दफ़ा इंडिया भी गई हूँ मैं, काफ़ी लाहौर भी 2-3 दफ़ा गई हूँ, लेकिन ऐसे जो है ना
एबटाबाद और मानसेरा और जो है ना काहा नारायण यहाँ पहली दफ़ा जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो है ना कुछ जीन्स शर्ट्स रखी हैं, कुछ लॉन के सूट रखे हैं, क्योंकि सारे कजन वगैरह जा रहे हैं तो इतने ज़्यादा जो है ना मैंने जीन्स शर्ट्स वगैरह नहीं रखी, बस बहरहाल थोड़े बहुत कपड़े रखे हैं थोड़े बहुत से। और इमरान अपने काम की वजह से बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं थे, इमरान को बहुत मुश्किल से राजी किया है। और दूसरी बात ये, हमारे टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं तो इसलिए जो है ना कहीं टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे। बहुत परेशानी के बाद बहुत कहीं सोर्स वोर्स लगा कर टिकट लिए हैं, और हम लोग कोई तकरीबन 15 लोग हैं जो हमारा पूरा टूर जा रहा है टूर करने के लिए। पूरा जो है ना हम लोगों का पूरा मतलब कजन्स हैं, बहन हैं, बहनोई हैं, सारे बच्चे होंगे। और एंड टाइम पे आयान साहब अपना पैर सुझा कर बैठे हुए हैं और पैर को अलग से लेके बैठे हुए, ये देख रही है ना आप, देखें पूरा सूजा पड़ा हुआ है इसका पैर और हंस रहा है। और इसके भी सारी ये देखें पीछे जीन्स से शर्टें रखी हुई हैं, और इसको अब कैसे लेके जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, इसे चला तक नहीं जा रहा, इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है इसने और मुझे टेंशन हो रही है। जाहिर सी बात है पूरी तैयारी हुई भी है इसकी भी आयान की भी, बहरहाल अब इनको जाना पड़ेगा फाइनली दादी के घर हैं। तो आयान फिलहाल जो है ना पाकिस्तान टूर से जाने से ज़्यादा खुश जो है ना अपने कज़नों के साथ में खेलने में और दादी की तरफ जाने में खुशी है आयान को। मतलब बाहर घूमने का कोई शौक नहीं है, ये देख ले आज आप लोगों के सामने मैं ये कहलवा रही हूँ, इससे बता रही हूँ मतलब इससे पूछ रही हूँ और सबके सामने ही ये बता रहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है। इसको यही वजह है, ये ज़्यादातर घर में रह जाता है, कहता है मम्मी मैं घर में रहूँगा आप जाएँ आप होकर आ जाएँ, कराची में भी यही करता है लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले जाती हूँ। अभी भी वहाँ जाने के लिए इसने नया काम करके रखा है कि कल सीढ़ी से उतरते हुए कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतर रहे थे उसके भांजे के साथ में, मेरे भांजे के साथ में दावर के साथ में, जो दावर रुका हुआ था, और जो है ना इसने चार सीढ़ियों से छलांग लगाई और जो है ना ये उल्टा होके पैर हो गया। क्या ये पूरा उल्टा हो गया था? उल्टा पूरा हो गया और सूजन हो गई और नीचे की। और अब उठा उतरा वो एक दो दिन से जो है ना ये नीचे नहीं उतरा है, इतनी तकलीफ है इसके, वो पैर को मलवाया भी है। तो ये जो है ना अभी नहाकर और जो है ना ये पट्टी वट्टी खोल कर बैठा है अभी, तो मुझे बहुत अफसोस है कि आयान मेरे साथ नहीं जा रहा, लेकिन मैं क्या करूँ इतना बहुत ज़्यादा मैं बार बार कह रही हूँ चलने की कोशिश करो लेकिन इससे पाँव हिलाया नहीं जा रहा। तो वहाँ पर सारा पहाड़ी एरिया है सब कुछ है, कह रहा मैं किस तरह चढ़ूँगा मैं नहीं जा रहा। और बाहर इस वक्त हो रही है बहुत शदीद वाली बारिश, इतना पानी नीचे खड़ा हो गया है और मौसम बहुत खुशगवार और हसीन वाला हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बस पानी में गंदे, ये देखें कितना पानी इकट्ठा हो गया। तो बस इमरान और मैं सुबह से कह रहे थे कि इमरान को अपनी शर्ट्स लेनी थी, वो एंड टाइम कर देते हैं अपना कुछ लेते ही नहीं है क्योंकि उनका तो ये प्रोग्राम ही नहीं था जाने का। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना वो अपने थोड़े से कपड़े लेकर आए, कुछ मैंने कहने में आयत के कपड़े लिए हैं और बस जाने की तैयारी चल रही है बैग आज। और आज 3 दिन हो गए मेरे कज़नों को भागते भागते, भाइयों को भागते भागते कि किसी तरह से जो है ना टिकट्स मिल जाए, कहीं टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे, डबल प्राइस में भी नहीं मिल रहे थे किसी भी ट्रेनों में, वो सब लोग कह रहे थे 12 तारीख के बाद ही मिल रहे थे, 15 तारीख के बाद मिल रहे थे, लेकिन फिर ये होता है कि कहने में मेरे सारे कहने में कजन्स वगैरह अपना बिजनेस करते हैं तो उनकी शॉप्स वगैरह खुल जाएंगी, तो कुछ क्लॉथिंग के काम की है किसी की शॉप्स तो वो खुल जाएंगी, तो फिर जाहिर सी बात है 10-12 मुहर्रम के बाद तो फिर वापस ही आना होगा, तो हमारा 8-10 दिन का टिकट वो होगा टूर होगा। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, हम यहाँ से पहले कल पिंडी जाएंगे या मानसेरा जाएंगे, अब जो भी ट्रेन हो गई होगी, वैसे इरादा तो पिंडी जाने का है, फिर पिंडी से ही जाएंगे कहीं और, 2-3 दिन का स्टे फिर मानसेरा में होगा। और अभी अभी कुछ पता नहीं है क्या चीज़ होगी जाने के बाद, साथ साथ बताती रहूँगी और मेरे ब्लॉग्स देखती रहिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं, रोज़ाना सारी चीज़ें दिखाऊँगी जहाँ जहाँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो है ना मैं सामान रखूँ क्या, इतनी अभी खाना वाना खा के फारिग होकर आई हूँ, अब बस मुझे घर समेटना है आज की रात, और क्योंकि सारा सामान फैला हुआ है तो बस ये सारा जो है ना आज ही वो करूँगी सेटिंग करूँगी। और जो है ना बैग भी आ चुके हैं, तो ये देखें बैग मेरा आ चुका है, बस इसको खोलते हैं और सामान रखना स्टार्ट करते हैं। एक बैग मेरे पास ये है और एक बैग ये है मेरे पास, अब देखते हैं कि इसमें क्या सामान आता है। सब कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन अब मैं देखभाल कर ही रखूँगी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो क्या कि मैं क्या रखूं और क्या ना रखूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस अब मैं सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को सेटिंग करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ। ये तो सबसे पहले जो है ना कैप, तो भाई इसमें तो तकरीबन मेरे ही सूट आ रहा है, एक तो मुझे जो है ना वो भी नहीं करनी आती, कपड़े रखने भी नहीं आते कि मैं किस तरह रखूँ। ये आ गई हैं मेरी शर्ट्स,
अभी तो सारे मेरे ही कपड़े चल रहे हैं भाई। आयत वगैरह के अभी मैं देखती हूँ कहाँ गए, और जींस कहाँ गई मेरी। और अभी फ़िलहाल जो है ना मैं कैमरा रखती हूँ ताकि सारा काम रख लूँ कर लूँ और जो है ना तरीके से कपड़े वगैरह रख लूँ, इसलिए जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना मैं तैयारी करके दिखाती हूँ, मतलब सारी चीज़ें रख कर दिखाती हूँ। तो बस इस दूसरे बैग में जो है ना मेरे, इमरान के और आयत के सबके शूज़ आ जाएंगे, यहाँ इमरान के कपड़े आ गए और यहाँ सारी जो है ना मैंने अपनी ज्वेलरी और मेकअप रखा है। ये देखें दिखाती हूँ, यहाँ मैंने आयत के सारे क्लिप्स रख दिए और यहाँ मेरा मेकअप का पाउच है और जो है ना यहाँ पर ये सारा मेकअप का और ज्वेलरी का पाउच है और यहाँ मैंने आयत की जो ये रख दी है और यहाँ इसमें अभी इसका कैप रख दूँगी, दो कैप मैंने अंदर रख दिए हैं आयत के और आयत मेरे साथ साथ बैठी हुई। तो बस काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है और जो है ना बैग तो मेरे हो गए हैं पैक, ये देखें ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, अब सारा जो ये सारे कपड़े जो धुले हुए थे काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, अब इनको जो है ना मैं जो है ना किसी चीज़ में बांध कर रखूँगी क्योंकि आने के बाद ही अलमारियाँ साफ़ करूँगी, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और छोले बॉईल करने के लिए रखें जो कि हम मैं बनाकर कर लेकर जाऊँगी और शामी कबाब बन गए हैं मेरे, खाना मेरा रेडी है, बस अभी देखते हैं चलते चलते क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं और क्या क्या नहीं, मैं सोच सोच के सारी चीज़ें अभी तो बस कल का काम ये रह जाएगा कि बस मुझे जो है ना खाना रेडी करना होगा, कबाब फ्राई करने होंगे, रोटी हम लोग बाहर से लेंगे और जो है ना बस छोले फ्राई करूँगी। तो बस ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हो गई है मेरी सारी तैयारी जाने की, तो बस इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से हम लोग पहुँच जाएँ खैर खैरियत के साथ में, कल रात 10 बजे की हमारी ट्रेन है। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।